सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। बात ये भी है, अभी तक सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली उठ के आई है, अपने आप डोली चल के आई है, तो अच्छी बात है। गोलियां ख़त्म हो और डोली शुरू हो, डोली का काम शुरू हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छी बात है। ये तो है ही। देखिए, पाकिस्तान में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुँचे थे, वो कंवारे थे, उनसे भी कहा गया कि शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा वहाँ भी शादी के, वहाँ का तो माहौल ही ऐसा अच्छा, प्यार भरा माहौल है। ये तो कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, कश्मीर इशू के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। प्यार बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कहा गया शादी के लिए, तो उन्होंने कहा शादी कर लेंगे, लेकिन हमें दहेज में पाकिस्तान चाहिए होगा। उन्होंने कंजूसी दिखाई, पाकिस्तान वालों ने दहेज में पाकिस्तान नहीं दिया, नहीं तो रिश्ता यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता, ससुराल का रिश्ता हो जाता पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, हो गया अब। लेकिन वहाँ के लोग चाहते हैं, अच्छा है। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान को जो युवक है बहुत संस्कारित है, बहुत समझा हुआ है, बहुत प्यार करने वाला है, अपनी धर्म पत्नियों को बहुत प्यार करता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, शोहरत देता है, खुद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह जाता है, अपनी धर्म पत्नी को SDM साहिबा बना देता है, हीरा ठाकुर जैसी कहानियाँ इस देश में भरी पड़ी हैं, खुद नीचे रह जाता है, अपनी धर्मपत्नी को जिलाधिकारी बना देते हैं। तो ये और देश में कहीं नहीं, हमारे देश में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय, दुनिया में कहीं नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम देते हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम दुनिया में लोकतंत्र की जननी हैं, और बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े हैं, कार्य कर रहे हैं। हम अपने हवन पूजा जब समाप्ति करते हैं तो नारा देते हैं, अपने परिवार का विकास हो नहीं, अपने यजमान का संपन्नता हो नहीं, संसार का कल्याण हो, वो हमारे संसद भवन पर हमला करते हैं और हम वहाँ से डोली लाकर यहाँ नागरिकता की बात करते हैं, उसके बच्चों के पालन लालन पोषण की बात करते हैं, यहाँ के लोग सीमा की मुँह दिखाई करते हैं, यहाँ के लोग उसे लहंगा और चुन्नी गिफ्ट देते हैं, ये हमारा प्यार हो सकता है और लोगों का प्यार नहीं हो सकता। तो धर्म अपनाया, हिंदू ही सनातन धर्म है, पूरी दुनिया का धर्म हिंदू ही है। मुझे बताइए, मोहम्मद साहब बहुत प्रसिद्ध हैं, सम्मानित हैं, श्रद्धेय हैं, पवित्र हैं, इस मोहम्मद साहब से पहले कौन धर्म था? गुरु गोविंद सिंह बहुत पवित्र हैं, बहुत बलिदानी हैं, बहुत त्यागी हैं, बहुत तपस्वी हैं, उससे पहले कौन धर्म था? तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस एक लड़की, एक औरत, एक महिला, एक चार बच्चों की माँ की जांच नहीं कर पाए? उन्होंने जांच की, FIR दर्ज की, PC रिमांड लिया, जुडिशियल कस्टडी भेजा, जेल गई, बेल हुई, जाँच चल रही है। अगर उन्हें शक होता तो क्या उन्होंने ब्रेन मैपिंग कराई, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, पोलीग्राफी टेस्ट कराया? अगर कराते तो कराते। लोग कहते बच्चे उसके नहीं, तो DNA करा लो साहब, क्या प्रॉब्लम पड़ती है? अरे लोगों के यहाँ DNA गड़बड़ हो जाती है रिपोर्टें, CFSL बढ़िया वाली CFSL भेजो, अच्छे डायरेक्टर भेजो, अच्छी रिपोर्ट लाओ, अच्छी साइबर टीम भेजो, अच्छा साइबर क्राइम चेक कराओ, पूरी तरह से जड़ से देखो और देखो। हाँ, अगर झूठ हो जेल में रखोगे, अगर झूठ होगी तब भी आपको यहीं की जेल में रखनी पड़ेगी, तिहाड़ में 6 नंबर महिला जेल में रखनी, तब भी नहीं भेजोगे, तब भी वो सचिन मिलता रहेगा अपनी बीवी से, मुलाकात करता रहेगा जेल में, प्यार जिंदा रहेगा, प्यार अमर रहेगा, 2.5 अक्षर प्यार का, पढ़े सो पंडित होए और पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भयानक होए। अन्य देशों में गोद में दूसरी बीबी को लिटालते हैं और पहली वाली फोन बीबी को फोन करके कहते हैं जा तुझे दिया तलाक तलाक तलाक। अरे तलाक तो दे रहे हो, नजरे कहर के साथ उसका शवाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ।